अर्जुन, अर्जुन, ये सपना तो नहीं था? तुम्हें मेरे पापा याद है? नहीं होंगे, वो ज्यादा बात नहीं करते थे, हमेशा लिखते रहते थे, पर हम सबके लिए हमारी दुनिया थे। उनके जाने के बाद हम सब टूट जाते अगर माँ ने हमें संभाला ना होता। वो जैसे भूल ही गई कि वो एक इंसान भी है, कि उन्हें भी दर्द होता है, परेशानी होती है। अपनी पूरी जिंदगी मेरा और अभिराज का ध्यान रखने में लगा। अभिराज हमेशा से इंडिपेंडेंट था और मैं उनका वही डरपोक अर्जुन। पापा के लिए दिन रात रोता था, इतना कि मेरा हाथ भी काम नहीं करता था। तब वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते, मेरे लिए सब कुछ करते। अर्जुन, मैंने कितनों को कंसोल किया है, पर इस वक्त तुम्हें क्या कहूं, कैसे कहूं, I don't know। मैं जानती हूं तुम उन्हें मिस करते हो, मैं भी उन्हें मिस कर रही हूं, पर अगर तुम चाहो तो तुम उनसे बात कर सकते हो, आईना है। पुलिस ऑफिसर बना तो दुनिया ने मुझे अलग अर्जुन की तरह देखा, फियरलेस, स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टर। लेकिन सिर्फ वो जानती थी कि मैं आज भी वही अर्जुन हूं जो अंधेरे से डरता है। वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब वो नहीं, कहीं नहीं, मेरे पास, मेरे साथ। अर्जुन, देखो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो, फिर बात कर लेंगे, ठीक है? खाना चाहूं भी तो नहीं खा पाऊंगा, हाथ काम नहीं करेंगे। अर्जुन,